प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को साकार करने में चास जरीडी सीमा पर बसे मानको तांत्री की ग्रामीण महिलाएं जी जान से जुटी हैं। यहां की सैकड़ों महिलाएं घर में ही मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही हैं और अपनी आजीविका को मजबूती प्रदान कर रही हैं। इलाकों की महिलाएं भी स्वरोजगार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। महिला किसान भी पुरुष किसानों से पीछे नहीं रहना चाहती। बोकारो जिले के मानगो की महिला कृषक उन्नत खेती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम की खेती कर रही हैं। ट्रेनिंग लेने के साथ साथ हम लोग रोजगार भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं करने का। इससे अगर हम लोग को लाभ होगा आगे तो और करेंगे हम लोग। संस्था के संस्थापक दशरथ साहू का कहना है कि मशरूम में प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है। इसमें शाकाहारी अथवा मांसाहारी भोजन के गुण सम्माहित है, जिससे बाजार में इसकी काफी डिमांड रहती है। अभी जो दीदी आशा दीदी लोग जो खेती कर रही है, इससे इन लोग को बहुत अच्छा मतलब कि रोजगार भी मिलेगा, बाजार में इसका अच्छा डिमांड भी है। बहरहाल महिलाओं के अपने पैर पर खड़े होने से न सिर्फ उनके घर मजबूत होंगे बल्कि एक मजबूत समाज का भी निर्माण होगा। बोकारो से न्यूजीलैंड भारत के लिए ललित मिश्रा की रिपोर्ट।